गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और मैं ट्राई कर रही हूँ रुजुता दिवेकर्स इंस्पायर्ड डाइट प्लान फॉर माय वेट लॉस फॉर हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। और आज है डे नंबर 14। तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने व्रत रखा है, जिन लोगों ने नहीं रखा है, सबको विद आपकी फैमिली। और एक चीज़ और कि आज मैंने फास्ट रखा है और मैंने पूजा कर ली है, घर के सारे काम हो चुके हैं, हस्बैंड का टिफ़िन हो चुका है, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट मैं दे चुकी हूँ, टिफ़िन पैक करके उन्हें दे चुकी हूँ। अब बारी आती है मेरे मील की, क्योंकि मैं पूजा से पहले कुछ भी नहीं लेती हूँ, इवन पानी भी नहीं पीती हूँ, और मैं सिर्फ आगे और पीछे मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वाला व्रत रखती हूँ। सो मैं पूरे वीक तो नहीं व्रत रख पाऊँगी, क्योंकि मुझे लो बीपी का प्रॉब्लम है और अगर मैं सॉल्ट थोड़ा कम खाऊँ ना तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है, सॉरी ये होता है कि मेरा बीपी लो हो जाता है और फिर मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांटते हैं। तो उनके वजह से मैं फास्ट रख भी नहीं पाती हूँ, खुद की वजह से भी नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे को भी संभालना है, घर भी देखना है, तो नहीं हो पाता है। सो गाइस, आज मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स पर रहूँगी, दूध पर रहूँगी और पहने, क्योंकि मेरा कुछ दिनों से वेट कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, सॉल्टेड चीज़ें ज़्यादा ले रही हूँ, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन की वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है, और मुझे लग रहा है वही रीज़न है। तो मैं आज ट्राई करती हूँ कि मैं आज कोई भी सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ, और फिर देखते हैं कल की वेट डाउन हो रहा है या फिर से इंक्रीज़ हो रहा है। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करने वाली हूँ कि मैं ये खा रही हूँ, मैं वो खा रही हूँ। आज मेरे पास फ्रूट्स में है बनाना, ग्रेप्स, पपाया और एप्पल। बस मैं कुल दिन यही खाने वाली हूँ, और बीच में मुझे अगर चाय पीना होगा तो मैं चाय पी लूँगी, या दूध पीना होगा तो मैं दूध पी लूँगी। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ नहीं खाने वाली हूँ, और अगर मैं खाने भी खाने होंगे तो विदाउट सॉल्ट खाऊँगी। वो सेंधा नमक डाल के खाते ना, वो भी नहीं डालूँगी, मतलब सिंपल मखाने खा लूँगी। और जो जो चीज़ें मैं खाऊँगी वो आपको मैं छोटी छोटी क्लिप इसमें ऐड कर दूँगी। मैं मिलूँगी आपसे कल वाले वीडियो में, यानी कि डे नंबर 15 में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोलो कि रेनू का चैनल सब्सक्राइब कर ले यार, कर क्या रहे आप। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज है मेरा फास्ट, और फास्ट में पूजा करने के बाद मैंने सबसे पहला मील लिया था बनाना, और रुजुता मैम भी बोलती हैं कि बनाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है हम सबके लिए। सो बनाना मैंने 11 बजे के अराउंड लिया था, तो मुझे ऐसा कुछ खाने का मन नहीं था मिड मॉर्निंग स्नैक्स में, तो मेरे पास एक पेठा रखा हुआ था जो कि व्रत में खाया जाता है, मीठा पेठा है, तो मैंने ये ले लिया था और एक बड़ा ग्लास पानी पी लिया था बस। सो पेठा लेने के बाद मुझे 3 बजे के अराउंड काफ़ी भूख लग रही थी, मैं बीच बीच में पानी रेगुलर पी रही थी, लेकिन जब भूख लगी तब मैंने एक एप्पल ले लिया था, ये मीडियम साइज़ का एप्पल है, और साथ में मैंने कुछ ग्रेप्स ले लिए थे, और दोनों ही चीज़ें फ्रेश थी और दोनों ही चीज़ें हेल्दी होती हैं। तो बस आज का मेरा मील नंबर 3 बोलें या मील लंच टाइम बोलें तो यही है आज मेरा लंच। इसके बाद मैंने शाम को एक कप चाय भी ली थी, जो कि मैं शायद रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, और उस चाय के बाद मैंने डिनर में लिया था दही और फ्रूट्स। फ्रूट्स में मैंने लिए थे बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, और ये जो दही है ये 200 ग्राम है, ये मैंने पूरी ले ली थी। इस दही में ना तो मैंने कोई शुगर ऐड किया था और ना ही सॉल्ट ऐड किया था, सिर्फ दही के अंदर मैंने अपने फ्रूट्स कट करके इसमें डाल दिए थे, मिक्स कर लिए थे। दही थी 200 ग्राम और एक बनाना है, हाफ एप्पल है, और 5-6 ग्रेप्स थे बस। तो ये था मेरा आज का डिनर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और आई एम ट्राइंग रुजुता दिवेकर्स इंस्पायर्ड डाइट प्लान फॉर वेट लॉस फॉर हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। और आज है डे नंबर 15, यानी कि आज से हमारा वीक नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। जी, ऐसा लगता है मेरी वेट मशीन में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक बार चेक किया विदाउट कैमरा, मैंने चेक किया तो वो मेरा आ रहा है 60s में, देन उसके बाद जैसे ही मैंने सोचा कि अच्छा कैमरा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो वो 61 या 60 प्लस, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सडन आधा किलो और 700 ग्राम के नियर बाई ज़्यादा बढ़ जाता है। और इतनी जल्दी वेट नहीं बढ़ सकता ना कि एक मिनट के अंदर आपने ये 750 ग्राम के मतलब गेन कर लिया, तो मे बी मेरे वेट मशीन में कोई प्रॉब्लम है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वेट मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, डाइट एज
जैसे अब चल रही है वैसे चलती रहेगी। और मैं कल रात को अपना मील नंबर 1 सोक करना भूल गई थी, तो मैं आज लूँगी बनाना, लेकिन उससे पहले मैं लूँगी डिटॉक्स कोरिएंडर वाटर या एप्पल साइडर विनेगर या सौंफ वाला पानी या क्या, वो मुझे अभी खुद भी नहीं पता है, तो वो अभी आपको पता करने के लिए वीडियो देखते रहना पड़ेगा। और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो सबके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो गाइज बने रहिए मेरे वीडियो में और फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं फर्स्ट मील में बनाना ले रही हूँ, लेकिन मेरा बनाना खाने का मन नहीं हुआ, तो मैंने ले लिया था वॉलनट जो कि सोक नहीं थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इतना चलता रहता है। सो गाइज इट्स मील नंबर 2 का टाइम और मील नंबर 2 में मैंने वो मिसली ली है और घर का हाल अवॉइड कीजिएगा और मेरे बालों में कुछ लगा हुआ है, एक मिनट, चावल लगा है। सो अब मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और आपसे मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। टाइम है मील नंबर 3 का जिसमें मैं ले रही हूँ एप्पल और आज मैं नहाई इस लेनी हूँ क्योंकि घर में ना इतने सारे काम हैं, काम भी क्या, कपड़े इतने सारे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे घर में पिछले एक हफ्ते से यानी कि पूरे एक वीक से वॉशिंग मशीन ख़राब थी और वॉशिंग मशीन आज ठीक होकर आई है, आई थी हम उसको लेकर आए हैं। सो वॉशिंग मशीन आ गई है घर पर, तो अब सारे कपड़े हैं, टॉवल है, बेडशीट है, मेरे कपड़े हैं, हस्बैंड के कपड़े हैं, बच्चे के कपड़े, इतने सारे कपड़े हो गए हैं धोने के लिए कि क्या बताऊँ। तो बस इसीलिए भी नहाई नहीं हूँ क्योंकि जब तक कपड़े धुलेंगे नहीं तब तक मैं नहाऊँगी नहीं, और तब तक एनर्जी के लिए मैं ले रही हूँ अपना एप्पल मील नंबर 3 में। और बाकी मैं पानी भी प्रॉपर पी रही हूँ, पानी मैंने अब तक शायद पता नहीं कितना पिया, लेकिन हाँ ठीक ठाक पी रही हूँ, पेट मेरा पूरा टाइम भरा हुआ है पानी से भी और खाने से भी। सो अब मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर के बाद यानी कि लंच टाइम पे, देखो तब तक मैं नहा पाती हूँ कि नहीं नहा पाती हूँ। सो गाइज ये है मेरा लंच यानी कि मील नंबर 4, इसमें मैंने लिया है दाल, राइस, अरहर की दाल है सिर्फ जीरे और हींग के तड़के के साथ में, ऊपर से घी डाला हुआ है और साथ में लिया है भिंडी की सब्ज़ी। और आप सोचेंगे कि मेरे यहाँ पे मोस्टली सब्ज़ियाँ काले कलर की क्यों हो जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाती हूँ, मोस्टली मेरी सब्ज़ियाँ लोहे की कढ़ाई में बनती हैं तो इसीलिए उसका कलर थोड़ा सा काला हो जाता है। साथ में लिया है मैंने सैलड, खीरा और प्याज। तो ये है मेरा लंच एंड मील नंबर 4। चाचा तुम्हें किडनैप नहीं करने के लिए जा रही हूँ, फिर जाओ, लेकिन चाय मत छूना ठीक है। सो गाइस इट्स टाइम फॉर मील नंबर 6। मील नंबर 5 में मैंने सिर्फ पानी पिया है क्योंकि पेट भरा हुआ था और ऐसा कुछ मन भी नहीं था। और मील नंबर 6 में मैंने लिए चाय और पीनट्स, पीनट्स सॉल्टेड हैं, मतलब वो मार्केट वाले नहीं है, नॉर्मल कच्चे पीनट्स को रोस्ट किया हुआ है नमक में, तो इसीलिए वो उसमें सॉल्ट का फ्लेवर है, मतलब सॉल्ट का टेस्ट है, तो उसमें कुछ और डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और मेरा चाय पीने का इसलिए मन था क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पी और आप जानते हैं कि आई एम अ बिग चाय लवर और मॉर्निंग में चाय नहीं पीती मैंने, तो एक चाय तो बनती है यार दिन में। तो बस मील नंबर 6 में फिनिश करती हूँ और आज मील नंबर 7 में थोड़ा टाइम हो लगेगा क्योंकि आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर, तो थोड़ा टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। तो 2000 years later। सो गाइस ये है मेरा मील नंबर 7 यानी कि डिनर। डिनर में मैंने लिया है एक रोटी जिसके ऊपर मैंने घी लगाया हुआ है, जैसे कि आप को पता है रुचिता मैम बोलती हैं घी लगाने के लिए, और साथ में मैंने लिया है पालक पनीर। और ट्रस्ट मी गाइस इतना टेस्टी बना था, इतना यम था, अगर मैं आपको खिला सकती तो आपको समझ में आता कि कितना टेस्टी है। और बस ये है, तो जल्दी से मैं जाकर अपना डिनर फिनिश करती हूँ और अब आपसे मिलूँगी मैं थोड़ी देर के बाद यानी कि डिनर करने के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस मैंने डिनर कर लिया है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि मैं डिनर करने के बाद आपसे बात करूंगी। सो डिनर कर लिया, डिनर आज मेरा थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि पालक पनीर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो डिनर करते करते 8:30 बज गए थे, लेकिन हमें डिनर 7-7:30 तक ही करना चाहिए, उससे पहले ही कर लेना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन सम टाइम हो जाता है, घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम टाइमली नहीं कर पाते हैं, लेकिन ट्राई करना है हमें नेक्स्ट टाइम से कि हम जल्दी से जल्दी अपना डिनर कर लें। तो ये था मेरा डे नंबर 15 एंड आई होप आपको मेरा ये डे नंबर 15 का वीडियो अच्छा लगा होगा, डाइट अच्छी लगी होगी, मेरा पूरा रूटीन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो
सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो पूरा देखा करिए, वीडियो लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो। फिर मिलूंगी मैं आपसे डे नंबर 16 पर। बाय कर दो सबको, बोलो बोलो बाय बाय।